SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए बदलाव को केंद्र सरकार की ओर से पलटने की वजह से नाराज स्वर्णों ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोलकर 5 राज्यों में मिली हार के जख्म को और हरा कर दिया है। सपा की दिवंगत सांसद फूलन देवी की हत्या मामले में आरोपी ठाकुरवादी नेता शेर सिंह के नेतृत्व में रविवार को हजारों लोगों ने अपना विरोध जताया और अब भाजपा को फिर से वोट नहीं देने की कसम खाई। इसके साथ ही शेर सिंह राणा ने ठाकुरों और मुस्लिमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भाजपा को सबक सिखाने की कसमें खाई। शेर सिंह राणा ने भाजपा सरकार के स्वर्ण विरोधी कदम के विरोध में 5 जिलों में पदयात्रा कर रविवार को गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला मैदान में SC/ST एक्ट एवं जातिगत आरक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय समान अधिकार के नाम से एक जन आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में स्वर्ण वर्ग के लोग जन आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे। इस मौके पर सबसे ज़्यादा संख्या में राजपूत वर्ग के लोग दिखाई दिए। कई जिलों से लाखों की संख्या में राजपूत जन आंदोलन में हिस्सा लेने पहुँचे थे। इसके अलावा मुस्लिम वर्ग के राजपूत भी जन आंदोलन में मौजूद रहे। इस दौरान सभी वक्ताओं द्वारा मंच के माध्यम से कहा गया कि देश के हित में राजपूतों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी है, लेकिन राजपूतों का हमेशा से ही शोषण होता चला आ रहा है। अब राजपूतों को जगाने के लिए शेर सिंह राणा मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य कार्यालय गाजियाबाद के अंदर ही बनेगा और जल्द ही पूरी पार्टी की कार्यकारिणी गठित की जाएगी। सभी जिले में कार्यकारिणी बनाकर सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया जाएगा।